हे आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स का। आपके एसएससी सीपीओ में भी स्पेलिंग मिस्टेक से एक दो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टायर वन हो, चाहे टायर टू, या फिर आप कहीं भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, कहीं भी राइटिंग कर रहे हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे काम आते हैं। और आज मैं आपको हर स्पेलिंग मिस्टेक्स, अब आपसे गलती कभी नहीं होगा, क्योंकि एक से एक ट्रिक्स मैं दूंगा ताकि सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके दूर हो जाए। एक एक करके देखेंगे सारे रूल्स को और सारे फॉलो करेंगे, राइट। यहां बात करा हमने कि यदि किसी वर्ड के अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट हो, ध्यान रखना, यदि कोई भी शब्द हो उसका अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट है। जैसे हमने बात करा किसी शब्द के, जैसे हमने लिखा आर यू एन, तो एन देखो क्या है, किसी वर्ड के अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है एन, क्योंकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई, ए आई ओ यू, पांच वॉवेल हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। तो किसी शब्द के अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, अंतिम में एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, तो उस शब्द में कुछ भी जोड़ने पर, कुछ भी जोड़ने पर वह डबल हो जाता है। जैसे हमने रन बोला तो रन के अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक ही वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, इसमें हम जोड़ दिया आई एन जी, तो आई जोड़ दिया तो बन जाएगा आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, यानी कुछ भी जोड़ने पर डबल हो जाता है, यानी कि जब अंतिम लेटर जो है वो डबल हो जाता है कुछ भी जोड़ने पर। जैसे बैग में हमने ई जोड़ दिया, मान लो तुम्हारा दिमाग काम करे कि सिर्फ आई एन जी होता है क्या, नहीं बाबू, कुछ भी जोड़ोगे डबल हो जाएगा। जैसे बेग्ड, अब देखो बी ई जी, अब ई डी जोड़ना है ना, तो जी को डबल करना पड़ेगा तब ई डी जोड़ेंगे, बेग्ड, इससे आपका स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। जैसे बिगर है, अब देखो बिगर क्या हो गया, बी आई जी, अब ई आर जोड़ना है तो जी को डबल करना पड़ेगा तब ई आर लगाएंगे, यानी कि जिस शब्द में अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक वॉवेल हो उसमें कुछ भी जोड़ने पर अंतिम लेटर को दो बार लिखते हैं। तो देखो यहां पर सैड सैडेस्ट, एस ए डबल डी ई एस टी, समझ पा रहे हो आप लोग, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, यहां पे पुट प्लस आई एन जी, तो आप बताओ क्या करेंगे, फटाफट जल्दी बोलो, पी यू डबल टी आई एन जी, यहां पे कट प्लस आई एन जी क्या करेंगे, सी यू डबल टी आई एन जी, अब समझ में आ नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे, आप खुद बिगनिंग का स्पेलिंग लिखो, आपसे गलती हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं दिल्ली में, तो बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाता है कि बिगनिंग का स्पेलिंग नहीं लिख पाते वो। जैसे बिगनिंग है क्या होगा, बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, यानी बिगनिंग में अगर आई एन जी लगाना है तो डबल एन करना पड़ेगा तब आई एन जुड़ेगा, स्टॉप में हम जोड़ा ई आर, तो क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बोलो, एस टी ओ डबल पी ई आर स्टॉपर, अब वो फॉरगेट फॉरगेटिंग, अब जोड़ता है इसमें फॉरगेटिंग, तो एफ ओ आर जी ई डबल टी आई एन जी। तो किसी भी शब्द में जब अंतिम लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक वॉवेल हो तो उसे हम दो बार लिखते हैं, डबल डबल करते हैं, तब जाके स्पेलिंग राइट होता है। अब देखते हैं सेकंड को, हमने कहा रूल नंबर सेकंड, कॉपी कलम निकाल लो तब ना मजा आएगा पढ़ने में, एक एक कर पाते फटाफट। हमने कहा यदि किसी शब्द के अंत में एल लगा हो, किसी शब्द के अंत में एल लगा हो और उसके पहले एक वॉवेल, ध्यान देना बट को, किसी शब्द के अंत में एल लगा हो उसके पहले एक वॉवेल हो, कितना उनका एक वॉवेल, उसमें कुछ भी जोड़ने पर, देख लो हमने भिन्न भिन्न तरह के वर्ड लिए, कुछ भी जोड़ने पर अंतिम वाले एल को दो बार लिखते हैं, अंतिम वाले एल को डबल कर देते हैं। हमने कहा यदि किसी शब्द के अंत में एल लगा हो और एल से पहले कोई एक वॉवेल हो तो उसके पहले उसमें कुछ भी जोड़ने पर, उसमें कुछ भी जोड़ने पर एल को डबल कर देते हैं। जैसे क्वेरियल में ईड जोड़ेंगे तो देखो क्यू यू ए डबल आर ई एल, अब ईडी जोड़ना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा, डबल एल ई डी क्वेरियल्ड, यानी क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल ई डी करना पड़ेगा। ये अक्सर बच्चों से क्वेरियल्ड, आप भी लिखोगे ना आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, कि क्वेरियल्ड में बहुत से बच्चे क्या करते हैं क्यू यू ए ऐसे कर देंगे, क्यू यू ए डबल आर ई एलईडी, उनको लगता है सही हो गया, तो ये मिस्टेक होता रहता है उनसे, इसको सुधारने के लिए मैं आया हूं और आप एक एक स्पेलिंग देखो ताकि आपसे गलती ना हो। हमने कहा ट्रैवल प्लस ईआर, जैसे देखो गौर से ट्रैवल, अब ट्रैवल कितना है, किसी शब्द के अंत में एल लगा हो उसके पहले एक वॉवेल हो, तो जब भी कुछ जोड़े तो अंतिम वाले एल को डबल कर देते हैं, तो ट्रैवल का जोड़ दिया तो प्लस
ईआर ट्रैवलर हो गया, रिपेल प्लस ई एन टी रिपेल आर ई पी आर ई पी ई एल ई एन टी जोड़ना है तो डबल एल ई एन टी देख लो आप रिपेलेंट, कंपेल प्लस ई डी सी ओ एन पी एल ई डी जोड़ना है तो डबल एल फिर कंपेल्ड, यानी कि किसी शब्द के अंत में अगर एक एल हो, अगर उसमें कुछ जोड़ना हो, उसके पहले कोई भावेल हो और जोड़ना हो तो अंतिम वाले एल को डबल कर देते हैं। देख लो आप क्वेरल्ड ट्रेवल्ड रिपेलेंट कंपेल्ड, इस तरह से आप बेहतर सीख सकते हो और आपका इंग्लिश स्मार्ट हो सकता है। तो तीसरा देखते हैं हम लोग और से, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल लगाओ, ध्यान रखें किसी शब्द के अंत में डबल एल लगाओ और उससे तो उसे किसी भी शब्द के साथ जोड़ो, यानी किसी शब्द के अंत में डबल एल लगाओ, दो एल देखो यहां भी डबल एल है यहां भी डबल एल है, तो किसी शब्द के साथ दो एल लगाओ तो उसको किसी शब्द के साथ जोड़ो तो एक एल को हटाना पड़ता है। जैसे वेलकम, बहुत सारे बच्चे वेलकम का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो किसी शब्द के साथ फुल जोड़ने पर डबल एल किसी में लगाओ, अगर किसी शब्द के साथ जोड़ोगे ना तो एक एल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मैं कहता हूं आपको अगर पढ़ना है अंग्रेजी तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आके पढ़ सकते हो और आप घर बैठ के भी आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, जाकर के नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन एडमिशन कैसे लें, तो आप ऑनलाइन भी घर बैठ के एडमिशन ले सकते हैं और यहां पर डिटेल आप पढ़ रहे हो। तो हमने कहा वेलकम, तो वेलकम कैसे करें हम, तो वेल में डबल ए लेना, जब जोड़ेंगे तो एक एल कम हो जाएगा, यहां भी देखो वेलकम एक एल कम कर देंगे मैं प्रॉपर। दूसरा स्किलफुल, तो स्किलफुल को एस के आई एल एफ यू एल एक एल यहां से हटाया एक एल यहां से हटाया तो ये भी सही है, लेकिन मान लो कभी कभी कि एक ही एल हटाएं तो ए यहां वाला एल छोड़ देते हैं और लास्ट में हटा देते हैं, यानी स्किलफुल का स्पेलिंग एस के आई डबल एल और एफ यू एल यह भी सही है, यानी स्किलफुल का दो स्पेलिंग सही है। अगर आप रूल पे काम करेंगे तो स्किलफुल यह भी राइट है, स्किलफुल यह भी राइट है, दोनों सही होगा। हार्मफुल की बात करें तो एच ए आर एम एफ यू एल, तो किसी शब्द में अगर दो एल लगा हो किसी के साथ जोड़ो तो एक एल कम हो ही जाता है। हैंडफुल की बात करें तो हैंड फुल सिंगल हो जाएगा, यहां कपफुल की बात करें तो कप फुल, ट्रूथफुल की बात करें तो ट्रूथ फुल। आप यहां पे एक एक करके आप सीखिए, कॉपी कलम निकाल करके आप पढ़ते रहिए तब आपका बेहतर होगा। अब इस फोर नंबर रूल की बात करें, हमने कहा कि यदि किसी शब्द में सी का साउंड हो तो ई आई का प्रयोग करें और सी का साउंड ना हो तो आई ई का प्रयोग करें। ये मैक्सिमम बच्चों से गलती होता है। हमने कहा कि सी का साउंड हो, देखो सी है ना यहां पे, जैसे डिसीव रिसीव कंसीट कंसीव, तो सी का साउंड है ना सब में, तो सी का क्या हुआ डिसीव, देखो तो डी ई सी ई आई वी यानी ई आई का प्रयोग करें, देखो ई आई है ना डिसीव ई आई, तो जहां पे सी का साउंड हो ना वहां पे ई आई का प्रयोग करें और सी का साउंड ना हो तो आई ई का प्रयोग करें। जैसे डिसीव है तो डिसीव ई आई का प्रयोग किया, अगर यहां पे अचीव है तो हमने क्या किया आई ई का प्रयोग किया, ए सी एच आई ई वी अचीव। तो जहां पे सी का साउंड हो वहां पे क्या प्रयोग करो ई आई, जैसे डिसीव रिसीव कंसीट कंसीव, तो यहां पर सब देखो क्या ई आई सी ओ एन सी ई आई देख रहे हो, तो जहां पे सी का साउंड हो या सी वर्ड हो वहां पे ई आई का प्रयोग करते हैं और जहां सी ना हो वहां पे आई ई का प्रयोग करते हैं, अचीव बिलीव फील्ड रिलीव, देख रहे हो तक। इस तरह से हम लोग एक एक करके काम करने का प्रयास करेंगे, अचीव बिलीव फील्ड रिलीव, तो जहां पे सी का साउंड है वहां पे ई आई और सी नहीं है वहां पे आई, यही फैक्ट देखना, सी का साउंड तो ई आई और सी नहीं हो तो आई, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कॉपी में लो, आज मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक करके पूरा सिखा दूंगा स्पेलिंग मिस्टेक। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में ई लगाओ, यदि किसी शब्द के अंत में ई लगाओ और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, बिल्कुल ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो उसमें आई एन जी लगाने पर ई को हटा देते हैं। मतलब कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में ई लगाओ और ई से पहले कोई एक कॉन्सोनेंट हो तो उसमें अगर आई एन जी लगाओगे तो उस ई को हटा देते हैं। जैसे करके देखते हैं, गिव प्लस लीव प्लस आई एन जी, तो लीव प्लस आई एन जी एल आई वी और ई को हटाना देते हैं तो वी आई एन जी, अब लिविंग ऐसे बन जाएगा। जैसे मेक प्लस आई एन जी तो एम ए के आई एन जी, यानी कम प्लस आई एन जी ई को हटा देते हैं तो बन जाएगा सी ओ एम आई
एनजी, कितना आसान है स्पेलिंग, सीख रहे हो आप लोग। अगर देखा गीप प्लस आई एन जी, तो गीप में ये हटा देते हैं तो बन जाएगा जी आई वी आई एन जी। आप एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे अगला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे कि यदि किसी शब्द के अंत में सी ई लगा हो, देख रहे हो, यदि किसी शब्द के अंत में सी ई लगा हो, यदि किसी शब्द के अंत में सी लगा हो और उसमें ओ यू एस अगर जोड़ा जाए, जैसे स्पेसियस, मलेशियस, ग्रेसियस, विसियस, तो किसी शब्द में अगर सी लगा हो और उसमें ओ यू एस वर्ड जोड़ा जाए, ओ यू एस लेटर जोड़ा जाए, तो जोड़ने पर ई को हम आई में बदल देते हैं, यानी इसी ई को हम आई में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी इसी ई को, ये सी है तो ई को हम आई में चेंज करते हैं। करके चेक करते हैं, जैसे स्पेस सी लगा है ना, अब ओ यू एस जोड़ना है तो क्या करेंगे भाई, इस सी को चेंज करके आई बदल देंगे, जैसे एस पी ए सी, अब ई लिख के आई लिखेंगे और ओ यू एस, तो क्या बन गया, स्पेसियस, राइट। उस तरह से मैलिस, तो मैलिस एम ए एल आई सी ई, अब ई ने लिख करके क्या लिखेंगे हम, आई, और जोड़ देंगे ओ यू एस, है ना, कितना आसान। इस तरह से आप बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो, आपका स्पेलिंग इंप्रूव हो सकता है। अगर मेरी मदद से आपका स्पेलिंग इंप्रूव हो रहा है तो आप कमेंट करिए और लाइक जरूर करिए, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और इस वीडियो को पूरे भारत में हर बच्चे को शेयर करिए ताकि सबको मदद मिले। हमने कहा मैलिस प्लस ओइवेस मलेशियस, हमने बोला ग्रेस, अब देखो यहां पर जी आर ए सी ई, अब यहां क्या जोड़ना है, ओइवेस, तो ओ इसके जोड़ेंगे तो सी को हटा दें किसमें, आई में, और जोड़ दिया ओ यू एस, बी सी एस वी आई सी, अब सी में सी हटा दिया, जोड़ दिया ओ यू एस। इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे स्पेसियस, मलेशियस, ग्रेसियस और विसियस। इस तरह से आपका स्पेलिंग इंप्रूवमेंट काफी आसान हो जाएगा। और यहां पे देखा हमने कि यदि किसी वर्ड के अंत में आई ई लगा हो तो आई एन जी लगाते समय आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं। अब बड़ा आराम, सब कॉपी कलम लेके लिख रहे हो ना, तो हमने कहा टाई प्लस आई एन जी, तो टी आई ई टाई हुआ ना, अब इसमें हमको आई एन जी लगाना है, तो इस आई ई को हमें वाई में चेंज करना पड़ेगा। कैसे भाई, देखे करते टी वाई आई एन जी टाइंग, है ना, कितना मजेदार है। तो ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं चलता टाइंग आई एन जी है, इसका भीवन क्या है, तो ये टाई भीवन हो गया, ये टाइंग आई एन जी फॉर्म हो गया। जैसे बोले डाई, डाई मतलब मरना, तो डी आई है ना, चेंज कर देंगे वाई में, लगा दिया आई एन जी डाई, राइट। यहां पर निकला एल आई, तो लाइंग, एल वाई आई एन जी लाइंग, देख रहे हो, तो आई लगा है, इससे आपका स्पेलिंग भी इंप्रूव होगा और बेहतर सीख भी जाओगे और वो कैब भी स्ट्रांग होगा। इस तरह से आप सारी चीज करें। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिसके अंतिम लेटर जो होता है वो लास्ट लेटर जो होता है वो वाई होता है, कुछ होता है बहुत सारे वर्ड जिसके अंतिम क्या होता है, वाई। अब उस वाई को ध्यान आपको देना है कि कुछ ऐसे वर्ड जिसके अंतिम वाई होता है, अब हो सकता है कि वोवेल लेटर प्लस वाई हो रहा हो, या हो सकता है कि कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई हो रहा हो, ध्यान रखो से। अब कुछ ऐसे लेटर हैं जिसका अंतिम लेटर क्या है, वाई। अब हो सकता है कि वीएल मतलब वोवेल लेटर प्लस वाई, जैसे एग्जांपल सर बी ओ वाई। अब इसमें अगर हम एस जोड़े तो सिंपल एस जोड़ना है तो कर देंगे बी ओ वाई एस बॉयस, लेकिन अगर सी एल प्लस वाई हो और इसमें हमको कुछ जोड़ना हो, कुछ भी ऐड करना हो एस या ई एस, तो इस वाई को चेंज करेंगे किसमें सर, आई में, और तब आप ई एस लगा सकते हो। जैसे सर हमने बोला एग्जांपल में सी आई टी वाई, यहां भी वाई अंत था, यहां भी वाई से अंत था, तो सी टी का बनेगा सी आई टी आई एस सिटीज। जैसे बोला बेबी बी ए बी वाई, देखो वाई अंत है सीएल प्लस वाई, सीएल मतलब कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, तो कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, तो उसमें ए सी एस जोड़ना होगा, तो बेबी, तो इस वाई को चेंज करेंगे आई में तो क्या हो जाएगा बी ए बी आई ई एस। जैसे बोलना हो फैमिली एफ ए एम आई एल वाई, तो क्या बनाओगे इसका प्लूरल एफ ए एम आई एल आई ई एस फैमिलीज, यानी कि वाई को चेंज किया हमने आई एस में, आप नाउन में पढ़ते होंगे इसको। उस तरह से बॉय, अगर उन्होंने बोला के ई वाई, तो देखो के ई वाई में क्या है, ई वाई है ना, बॉय प्लस वाई, तो क्या कर देंगे के ई वाई एस। आपने बोला मंकी एम ओ एन K
के ई वाई, तो क्या करोगे एम ओ एन के ई वाई एस मंकीज, देख पा रहे हो आप प्रॉपर इसको, तो यहां पे मंकीज यानी कि वीएल प्लस वाई हो तो सिंपल एस लगा देते हैं और सीएल प्लस वाई हो तो हम आईएस करते हैं। अब यहां पे देखने के लिए क्या देखें कि जैसे मान लो कि अगर वो वर्ड मान लो एडजेक्टिव हो, जैसे मान लो बोला हैप्पी, अब हैप्पी क्या है एडजेक्टिव है, अब इसमें तुम कुछ भी जोड़ोगे हैप्पीली तो इस वाई को चेंज करेगी इसमें आई में, तो क्या करना है वो ध्यान दो एच ए डबल पी आई एल वाई, अगर बनाना हो एडजेक्टिव तो कर सकते हो एच ए डबल पी आई आर हैप्पियर, है ना हैप्पीएस्ट एच ए डबल पी आई एस टी, यानी कि अगर वो वर्ड हैप्पी सी एल प्लस वाई होता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है तो उस वाई को हम चेंज करते किसमें आई में और तब हम उसमें कुछ भी वर्ड जोड़ते हैं चाहे एडिटिव बनाते हैं चाहे एडवर्ब बनाते हैं चाहे कुछ भी बनाते हैं, और अगर वो वीएल प्लस वाई होता है जैसे देखो ग्रे जी आर ए वाई ग्रे, अब ग्रे में जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे देखो है ना, देखो आराम सीखो इसको, हमने कहा जी आर ए वाई जी आर ए वाई ग्रे, अब देखो वीएल प्लस वाई है कि नहीं तो वीएल प्लस वाई होगा तो जी आर ए वाई ई आर ग्रेयर, देख रहे हो आप, यानी कि अगर वोवेल प्लस वाई है तो हम लोग सिंपल उसमें ऐड करते हैं कोई चेंज नहीं करते, अगर सीएल प्लस वाई है कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई को चेंज करते हैं आई में और तब उसमें कुछ भी ईआर हो चाहे ईएसटी हो चाहे ईएल वाई हो कुछ भी हम लोग जोड़ते हैं। और आई होप आपको मजा आया होगा मेरे दोस्त, अगर मजा आया है ना तो इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि हर बच्चा स्पेलिंग इंप्रूव करे। अगला और वीडियो बनाऊंगा स्पेलिंग के लिए और बढ़िया काम करूं आपके लिए, इसको देखिए और हां मुझे कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कितना वीडियो आप चाहते हो, और साथ ही साथ उन सारे बच्चों को शेयर कीजिए जिनको आवश्यकता है। और दूसरी बात, अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आके क्लास कर सकते हो। तीसरी बात, आप ऑनलाइन क्लास घर बैठे पढ़ सकते हो अपने मोबाइल पर अपने स्क्रीन पर नीचे दिए गए शेयर करके और नीचे देकर के पढ़ करके www.dsa.com पे जाकर के आप दोबारा ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।